हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। अगर द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड की ऑफिशियल लिस्ट के बारे में बात करें तो उस पर अभी इलॉन मस्क का राज है। बट क्या ये सच है? क्या इलॉन मस्क की जगह व्लादिमीर पुतिन को होना चाहिए नंबर वन पे? हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इलॉन मस्क से पूछा गया था कि आप दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन है, आपको कैसा लगता है ये फीलिंग या फिर ये सोच के बारे कि आप सबसे रिचेस्ट मैन है? तो उन्होंने उसका उत्तर ये दिया कि देखिए, सबसे रिचेस्ट मैन मैं नहीं हूँ, सबसे रिचेस्ट मैन है व्लादिमीर पुतिन, और वो सिग्निफिकेंटली मेरे से 100 या 150 बिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा रिच है। हैरानी की बात तो ये है कि एक्चुअली में देखा जाए तो इलॉन मस्क सच ही बोल रहे हैं, क्योंकि आए दिन पेंडोरा पेपर्स, पनामा पेपर्स और ये सब जो लीक्स होते हैं उसमें बार बार व्लादिमीर पुतिन का जिक्र होता है, जिसमें बहुत बार व्लादिमीर पुतिन पर आरोप लगते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और बहुत ऐसे केसेस जिसके चलते हम करीब करीब व्लादिमीर पुतिन की नेटवर्क का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन की अगर बात करें तो रशियन सरकार का थोड़ा उल्टा ही स्टेटमेंट है। रशियन सरकार ने यह स्टेटमेंट दिया कि व्लादिमीर पुतिन की सालाना सैलरी ही 60 से 70 लाख इंडियन रुपीस के बीच में है। उसके अलावा पुतिन के पास एक 800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट ही है सिर्फ। अब ऑब्वियसली जब पुतिन से पूछा गया तो उन्होंने एक सार्केस्टिक और बहुत स्मार्ट रिप्लाई किया। उन्होंने ये कहा कि हाँ, वो सबसे अमीर इंसान है सिर्फ यूरोप में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, मगर वो अमीर पैसों से नहीं, अमीर इमोशन से है। उन्होंने थोड़ा नेता टाइप स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि उनके साथ इतने सारे रशियंस का स्टेटमेंट, इतने सारे रशियंस का इमोशन जुड़ा हुआ है और इनका भरोसा और ट्रस्ट जुड़ा हुआ है। बट ये तो सिर्फ हो गए बयानबाजी और हवाई फायरिंग वाली बातें। अब आते हैं सीधा मुद्दे पर। बहुत बार व्लादिमीर पुतिन को ऐसी चीज़ों के साथ देखा गया है जिसके बाद शक होता है कि जिस बंदे की सैलरी ही 60 से 70 लाख रुपीज़ है तो वो इतने महंगे महंगे चीज़ें कैसे यूज़ कर लेता है। जैसे कि एक बार उन्होंने एक घड़ी पहनी थी और उस घड़ी का दाम ही था $1 मिलियन। तो जैसे ही ये बात सामने आई मीडिया पे, प्रेस में और जर्नल्स के द्वारा, तुरंत क्रेमलिन की सरकार पहुंच गई डैमेज कंट्रोल पर और क्रेमलिन सरकार ने ये कहा कि वो ये घड़ी बेचने वाले हैं और इस घड़ी के बाद जो भी पैसा मिलेगा इस घड़ी से वो सारा पैसा यूज हो जाएगा डोनेशन में, यानी कि चैरिटी। इसके अलावा उसके बाद पुतिन ने एक बार एक रैली संबोधित की थी अपने सपोर्टर्स के लिए और उस रैली में उन्होंने एक डिजाइनर इटालियन जैकेट पहना था और आप जरूर हैरान हो जाएंगे उस जैकेट का दाम सुनकर। वो था $14,000 का एक जैकेट। इन्वेस्टिगेटर्स और जर्नलिस्ट तो ये कहते हैं कि पुतिन के पास 700 कार्स है, 58 प्राइवेट एयरक्राफ्ट है और एक $700 मिलियन वर्थ की एक याट है जिसमें 2 हेलीपैड्स भी लगे हुए हैं। इन सारे महंगी चीज़ों के अलावा उनके पास एक मैंशन है जो $1.45 बिलियन का है, जो लोकेटेड है नियर द ब्लैक सी। अब हम आते हैं इस टॉपिक पर कि पुतिन ने ये सब चीज़ें आखिर जमा कैसे की। तो उसका साफ साफ आंसर है करप्शन। जब भी रशिया की सरकार कोई भी नया स्कीम लेकर आती है रशियन सिटीजन्स के लिए तो उसमें से बहुत सारा पैसा करप्शन के द्वारा लॉन्डर किया जाता है और ये पैसा इन दी एंड जाता पुतिन के पास ही है। जैसे कि मान लीजिए अगर 100 करोड़ रुपये का कोई स्कीम लॉन्च की रशियन सरकार ने तो उसमें से बड़े आराम से पुतिन की सरकार 50 करोड़ तो अपने पास ही रख लेती होगी। 2000 में जब पावर में आए पुतिन की सरकार तब उन्होंने टारगेट किया ओलिगार्क को, इसका मतलब कि वो बिजनेसमैन जिनकी मोनोपोली है उन सेक्टर्स में। रशिया ने क्या किया, आधे ओलिगार्क को तो निकाल के बाहर फेंका और आधे जगह में अपने पपेट मोनोपोली बिजनेसमैन को रख दिया। तो कुछ ओलिगार्क को उन्होंने ये शर्त दी कि आपके जो नेटवर्थ है उसमें से आधा हिस्सा हमें दीजिए और उसके बाद अगर आप चाहते हैं शांति से बिजनेस करना तो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप जाना चाहते हैं रशिया के बाहर या फिर यूरोप में कोई देश में तो आप बड़े आराम से जा सकते हैं, आप पे कोई भी चार्जेस या कोई भी पुलिस केस नहीं होगा। तो ऐसा करके उन्होंने बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन को ज़ोर ज़बरदस्ती करके या तो उनका आधा नेटवर्क अपने पास ले लिया या तो उन्हें ऑल टुगेदर हटवा के अपने पार्टी के मेंबर्स को वहाँ पे खड़ा कर दिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।